दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर 28 अगस्त 2023 का एक यहां पर देख पा रहे होंगे पत्र टाइप का है एनसीटी की तरफ से। यहां पर आप देख पा रहे होंगे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से। ये कोई पब्लिक नोटिस नहीं है, एक कैंडिडेट के द्वारा यहां पर पब्लिक ग्रेवियंस ऑनलाइन माध्यम से दर्ज किया गया था, ये जानने के लिए कि बीएड कैंडिडेट का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस मामले में एनसीटी का पक्ष क्या है, उसको लेकर के यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो रिप्लाई किया गया है ये बाय ईमेल या फिर स्पीड पोस्ट फैक्स के जरिए किया गया है। दो ही तरीके हो सकते हैं, फैक्स और हैंड का तो बहुत कम ही यहां पर प्रयोग हो रहा है वर्तमान समय में। ये जिसको भी रिप्लाई गया है वो या तो ईमेल के जरिए गया है या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं लेटर भेज रहे थे एनसीटी को कि वो अपना स्पष्ट रुख करें, तो हो सकता है उसी का ये रिप्लाई हो। यहां पर आप देख पा रहे होंगे पब्लिक ग्रेवियंस करके यहां पर सब्जेक्ट है और सर या मैडम लिखा हुआ है, अर्थात किसी एक को रिप्लाई किया गया है। लेकिन इससे काफी चीजें स्पष्ट हो जाती है कि एनसीटी का क्या रुख है बीएड कैंडिडेट को लेकर के। With reference to your grievance, it is to inform you that you may refer NCT regulations dated. यहाँ पर कुछ डेट दी गई हैं 23/8/2010, 29/7/2011, 12/11/2014, 13/11/2019 और 13/10/2021। इसके अलावा जो टेट के सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी लाइफ टाइम की गई थी उनके भी जो नोटिस थे, उन सभी नोटिस जब जारी हुई थी उनका डेट यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर कुछ लिंक भी दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर आप जो डेट देख पा रहे होंगे उसमें कहीं पर भी 28 जून 2018 का जो गजट जारी हुआ था जिसके तहत ही बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य किया गया था, मौका दिया गया था, उसका यहाँ पर जिक्र नहीं है। अर्थात यहां पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो जो लेटर है वो अब प्रभावी नहीं है। इसके आगे इन्होंने आगे भी जिक्र किया है कि हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 11/8/2023 को आ चुका है, सिविल अपील नंबर वगैरह दी गई है, टाइटल का मतलब जिन लोगों ने केस किया था देवेश शर्मा और यूनियन ऑफ इंडिया, इनका भी यहां पर नाम दिया गया है और इसका यहां पर जजमेंट का भी लिंक ये दे रहे हैं कि यहां पर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। द एनसीटी एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर आल्सो अवेलेबल ऑन एनसीटी वेबसाइट, यानी इनकी तरफ से चीजें क्लियर हो गई हैं कि फिलहाल के लिए हमने इस आदेश को एक्सेप्ट कर लिया है। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे 28 तारीख को ये सिग्नेचर और कह सकते हैं नाम भी इनका दिया गया है और ये कॉपी भेजी गई है, आप देख पा रहे होंगे नोडल ऑफिसर एनसीटी न्यू दिल्ली और अन्य लोगों को। तो कुल मिलाकर के एनसीटी की तरफ से पक्ष अभी तक तो यही क्लियर है कि ये इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो 28 जून का लेटर था वो रद्द हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये सम्मान कर रहे हैं। अब इस पर आगे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या क्या कुछ करती है वो तो कुछ कहना मुश्किल ही है। फिलहाल यहाँ पर एनसीटी का जो लेटर है वो जारी हो चुका है, किसी एक ग्रेवियंस का रिप्लाई इन्होंने किया है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि बीएड कैंडिडेट को लेकर के यहाँ पर एनसीटी बीएड के पक्ष में नहीं है। किसी भी प्रकार की ये लोग जो अपील दायर की जाती है, रिव्यू पिटीशन दायर की जाती है, उसकी भी बात ये लोग नहीं कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है इस संबंध में, आगे जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी हम आपको सूचित करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।